नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है सिल्वर का, और जिस तरीके की एक इसने कल गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, बहुत ही रेयरली इस तरीके का हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि मार्केट जिस साइड में इतनी बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन होता है, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट जो है अपने आप को मूव करता रहता है। कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ बहुत ही एक 600-700 पॉइंट के ऊपर की इसने एक ओपनिंग दिखाई थी, और मॉर्निंग से ही इसमें एक तेज़ी आनी शुरू हो गई थी जो इसे ऊपर की तरफ ले गई, और कंटिन्यूसली ये ट्रेंड पूरे दिन तक चलता रहा था। और मार्केट जो था वो 5300 के ऊपर अपने आप को क्लोज करने में कामयाब रहा। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसकी क्लोजिंग दिखाता हूँ, 53,048 की इसकी क्लोजिंग है। बहुत ही एक जो जंप है इसका बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ रहा है, और कई लोग इस चीज़ में सेलिंग कई लोगों ने कर रखी है अलग अलग लेवल्स पे। किसी ने कल करी है, कल भी जिसने सेलिंग करी है वो भी लॉस में है, जिसने उससे पहले कर रखी है होल्ड किया हुआ है वो भी लॉस में है। तो जो भी जो सेलर्स हैं उनकी ज़रूर पोजिशन कल लॉस में क्लोज हुई है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल अपने हाई पर टिप ऑफ द डे पे अपने आप को क्लोज किया है। और देखिए ऐसा टाइम वो भी होता है, मैं उन सब क्लाइंट से ये कह रहा था जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमने सिल्वर में सेल किया हुआ है, हमें किस तरीके की अब पोजिशन लेनी चाहिए। मैंने सबको यही कहा था कि देखिए आप कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना नहीं, आपने स्टॉप लॉस लगाया था या नहीं लगाया था, ये सारी चीज़ें अगर आप मतलब छोड़ चुके हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं भी लगा था, तो सिल्वर में एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उसमें एक सेलिंग आनी शुरू होने वाली है, जो इन सारे लेवल्स को जहाँ से इसमें बाइंग आनी शुरू हुई है वो सारा का सारा कवर करके ये इसे प्रॉफिट में ले आएगी। तो आज जैसे अभी मार्केट में देख रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट 19.03 का करंट प्राइस है, और कल जो इसमें हाई लगे थे वो 19.37 के लगे थे। मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो करंट लेवल पे ये लगभग कल के अपने ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ओपन होने के इसके आज के चांसेस हैं। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये इन लेवल्स पे कहीं पर ओपन होगा, 52,400 से 52,200 के बीच में ये ओपन होगा। तो सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी न्यूज़ है, और जो बायर्स हैं उन्होंने अगर एंड में मतलब मार्केट क्लोज होते टाइम ये सोचकर अगर सिल्वर को प्लस किया है कि 53,000 इसने ब्रेक कर दिया और अब हम प्लस कर लें, तो उनके लिए ख़राब न्यूज़ है ये, क्योंकि जितनी गैप डाउन ओपनिंग आज होनी है और मार्केट में रिकवरी के चांसेस आज रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बहुत मुश्किल लग रहे हैं। रिकवरी आज होनी मतलब इंट्राडे में अगर कुछ रिकवरी दिखती है तो वो एक निकलने के ही एक आपको एक मौका होगा कि आपने जो पोजीशन ली है बाइंग में उससे आप निकल पाएँ, क्योंकि एक एक वेट जो कर रहा है, गोल्ड भी एक वेट कर रहा है मार्केट में गिरने के लिए। कल भी गोल्ड ने नीचे गिरने का एक साइन दिया था, पर गोल्ड में बहुत ही कल मैं कहूँगा कि एक डल मार्केट था। सिल्वर एक सिंगल साइडेड वन साइडेड एक रैली को फॉलो कर रही थी, मार्केट जो था खुला था और वहीं से बिल्कुल अपने क्लोजिंग तक तेज़ी दिखाता रहा था। तो इस तरीके का मार्केट हमेशा बहुत ही कॉशियसली हमें ट्रेड करना चाहिए। जो भी हम ट्रेड लें हमारे स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रिगर होंगे, पर हमारा जो एक बड़ा लॉस होने से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड रहा था। देखिए आइए अब मैं बात करता हूँ आपसे कुछ लेवल्स की। अभी सिल्वर में अगर आपको 52,800 तक के अगर कुछ लेवल मिलते हैं, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ अगर सिल्वर नीचे क्लोज होती है, जो मैंने क्लोजिंग वो ओपनिंग प्राइस बताया यहाँ पर, इसके बाद मार्केट रिकवर करना शुरू होता है 52,800 के आसपास तक आता है, तो वो आपके लिए एक सेलिंग का एक अच्छा मौका होगा जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं और वापस मार्केट जो है वो एक नीचे की तरफ आता हुआ हमें नज़र आएगा। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड सिल्वर में रह सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 लेवल हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला 52,400 का लेवल है, 450 का, ठीक है। 52,450 के नीचे अगर ये अपने आप को सस्टेन करती है
तो इसमें जो एक जो बाइंग आई थी उसे ब्रेक मिलेगा, ठीक है। दूसरा लेवल है 51,800 का। 51,800 ये देखिए, आज इतना गिरेगी या नहीं गिरेगी सिल्वर ये मैं नहीं कहता, पर वो एक इंडिकेशन ज़रूर होगा। जो इसमें ये तेज़ी आई है वो कन्वर्ट हो जाएगी नीचे की साइड में। तो 51,800 के नीचे अगर सिल्वर सस्टेन करती है तो उसमें एक चांसेस होंगे कि वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी, और जो इसका ये अप ट्रेंड है वो एक थोड़ा सा एक स्लाइटली मूव ले लेगा डाउन ट्रेंड की तरफ। क्योंकि उसका एक रीज़न हम ये भी समझ सकते हैं कि गोल्ड में जो है वो जिस तरीके की एक रैली चल रही थी, कल हमने बिल्कुल भी तेज़ी बनते हुए नहीं देखी गोल्ड में। हालांकि सिल्वर ने एक छोटा सा एक मूव दिखाया था, मैं आपको एक बार मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट्स पे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पर सिल्वर ने एक मूव दिखाया था नीचे की साइड आने का, वहाँ पर गोल्ड में एक नया लो लग गया था। मतलब जो ये लो लगे हैं गोल्ड ने अपने, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो सिल्वर ने सिर्फ यहाँ तक का एक नीचे में मूव दिखाया, गोल्ड ने अपना एक नया लो लगा दिया था। 935 का मेरे ख्याल से लो था और 905 का शायद ऐसा कुछ लो मारा था फिर गोल्ड ने। फिर वहाँ से उसमें एक एक बाइंग आनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आई थी पर वापस वो उसी लेवल पे ले आई थी जहाँ से उसने गिरना शुरू किया था। पर सिल्वर ने वापस अपने आप को आउट परफॉर्म करके रखा और 53,000 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। तो इस चीज़ से एक ज़रूर हमें समझ एक बात ज़रूर समझ में आ रही है कि सिल्वर ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे से एक स्ट्रेंथ दिखाई थी। देखिए उसका एक रीज़न ये भी समझ में आ रहा है कि 51,500 का मैं एक लेवल की मैं बात करता था, उसके ऊपर जैसे ही इसने एक ब्रेक दिया है, सिल्वर ने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी और सस्टेन इस तरीके से करा है कि 53,000 के लेवल इसने ब्रेक कर दिए और उसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी है। तो फिलहाल जो है मार्केट में आप बहुत ध्यान से आप ट्रेड कीजिएगा, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसे आप स्टॉप लॉस के साथ ही चलें। आप कोई ट्रेड एंटर कर रहे हैं, स्टॉप लॉस आप साथ में लगा के चलिए, ट्रिगर हो जाएगा ठीक है, नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट ही चलता रहेगा, ठीक है। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मार्केट रिपोर्ट MCX मेरा चैनल है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी अगर इंट्राडे में कोई कॉल जनरेट होती है तो मैं वहाँ पर आपको फ्लैश करता हूँ, और जिस तरीके, क्योंकि अभी इनिशियली क्या रहता है कि सिल्वर में अभी हम सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जो हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ओपन होगा और इस तरीके का ट्रेंड चलेगा। पर पूरे दिन में ख़ास तौर से, क्योंकि इवनिंग में ये सेशन हमें देखने को मिलता है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे से भी एक ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है, तो वो अगर पूरे दिन में चलता रहेगा, वहाँ पर कॉल जिस टाइम जनरेट होगी तो उस टाइम में वो कॉल आपको फ्लैश कर दूंगा। मार्केट रिपोर्ट MCX, मैं इसे एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ। मार्केट रिपोर्ट MCX, इस पे आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा आईडी है। तो जो भी कुछ आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ट्रैप हो गए हैं और कॉल जिस तरीके की आती है, तो आप थोड़ा सा देखिए, कॉल तो हर तरीके की आपको मार्केट में मिलती रहेंगी, कोई बाइंग की दे रहा होगा, कोई सेलिंग की। आप सिर्फ मुझे ही नहीं, आप कई जगह आप अलग से भी और फॉलो करते होंगे कि पर जिसकी कॉल आपको ज़्यादा सही लगेगी, जिसका ट्रेंड आपको ज़्यादा सही लगेगा, जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। दो तीन चीज़ें होती हैं इस मार्केट में ट्रेड करने की, एक एक मनी मैनेजमेंट और एक आप जो कॉल ले रहे हैं वो कितनी सही है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप मनी अपने 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 फंड्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कितना आपके पास फंड्स है और आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर ट्रेड लेते टाइम, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो सिल्वर में फ़िलहाल मैंने आपको एक दो चीज़ें बताई हैं, ट्रेंड जो है वो रिवर्सल के साइन है आज, जो ऊपर में जो भी लेवल हमें मिलेंगे वो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।